बाजार से तो दोस्तों थक हारे आ गए हैं, बहुत सारी सब्जियां लेकर आए हैं। है हमारी पोस्तो आलू सजने फूल की सब्जी, पेट ना फट जाए बस। इसे सिर्फ आराम खाने, किसी भी हद तक ये आराम के लिए चला जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से रूपाली जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। आज 18 तारीख है, संडे है और दिन की शुरुआत तो हो ही चुकी है बहुत पहले से ही। 9 बज गए हैं सुबह के और मैं अभी अभी इनके पास आई हूँ और इनकी शैतानियों को एंजॉय करने के लिए। दोस्तों आप सब कैसे हैं? अपनी दिन की शुरुआत आप लोगों ने कैसे की बताइएगा जरूर। आई होप आप लोग भी अपने तरीके से संडे को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए थोड़ी देर इनके साथ खेल लेते हैं क्योंकि काम तो होता ही रहता है। देखिए इन लोगों ने उड़ान भरी है। आ जाओ, चलो। देखिए इसे कितना आराम चाहिए और ये तो मेरे हाड़ को ही खाए जा रहे। चलो आ जाओ। देखिए इनकी मस्तियाँ देखिए। सर्दी चली गई पर सर्दी के सामान अब धुलने लगे हैं। कंबल को मैंने धो दिया है अभी और सूखने के लिए दे दिया। संडे तो सबके लिए लेजी डे होता है लेकिन मेरे लिए बिजी डे हो गया। अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे सब्जी वगैरह खरीदनी है। चलिए देखते हैं क्या क्या सब्जी है मार्केट में। चलिए हम तो चल पड़े बाजार की तरफ। और ये फिंचेस अपनी कॉलोनी में व्यस्त है। कितने बिजी हो? ओके बाय, हम भी बिजी है। बाजार पहुंच गए हैं, बहुत भीड़ है। संडे का मार्केट है ना, फिश मार्केट में है अभी। बाजार से तो दोस्तों थक हारे आ गए हैं, बहुत सारी सब्जियां लेकर आए हैं। लौकी है, धनिया पत्ती है, पत्ता गोभी, पपीता, कद्दू। ये बहुत अच्छा मिला मुझे, एकदम छोटा सा पिद्दी सा सुंदर सा कद्दू। और सीम है, बाकी सारे तो सामान है। और फिश और चिकन बेसिन में है। इतने सारी सब्जियां खरीदते खरीदते तो 1:15 बज गए, अभी तक खाना भी नहीं बना। देखते हैं क्या बनाते हैं। तो सुबह के काम के चक्कर में नाश्ता तो मेरा हो नहीं सका। अभी 1:15 बजे मैं नाश्ता कर रही हूँ, फिर काम शुरू करूंगी। और मेरा फेवरेट नाश्ता है मूढ़ी और आलू की सब्जी, बहुत अच्छा। दोस्तों लालच बुरी बला होती है, तो मैं भी बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। दोपहर के 1:30 बज गए हैं, अभी तक मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ इनको ही संभालते संभालते मेरा समय बीत गया। देर तो हो ही चुकी है, इसलिए दाल को मैंने छोक लगा लिया। हल्दी एकदम छिटक, जल्दबाजी में बहुत खनवास तो मतलब बुरे फंसे। एक तो काम वाली भाई नहीं आई, दूसरा बाजार गई थी सब्जी वगैरह खरीदने। सजने फूल तो ये है और खसखस तो ये है जिसे भी पीसना बाकी है। चलिए खसखस को मिर्च और टमाटर से पीस लेते हैं और आलू तो कटकर रेडी है, बस तेल गर्म होने का इंतजार है। पिछली बार मैंने सजने फूल और खसखस के साथ प्याज की सब्जी बनाई थी, इस बार थोड़ा ट्विस्ट ला रही हूँ। इस बार मैं आलू के साथ बना रही हूँ। जब वेज बनता है तो आलू पोस्तों की सब्जी तो बनती है, तो मैं इसके साथ थोड़ा सजने फूल ऐड कर दूंगी तो खाने में भी 4 चांद लग जाएंगे। आलू थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं इसमें सजने फूल ले लूंगी। छोटे छोटे मिक्स खाने बनाकर चावल के साथ खाने में बहुत ही अच्छे और टेस्टी होते हैं। चुटकी भर सिंदूर की जगह चुटकी भर हल्दी मैं दे देती हूँ इसमें।
इसका कलर चेंज ज्यादा ना हो, बासंती रंग अच्छा लगता है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारा तेल दिख रहा था आलू में, लेकिन अब तेल तो गायब हो चुका है, सारे इन सजने फूलों ने खा लिया है। तो मत भी मिटा देती हूँ, जिसका जिसे टमाटर और हरी मिर्च के साथ पीसा था उसे डाल रही हूँ। मैं थोड़ा सा पानी मिला दिया है क्योंकि इसको उबलना है। चलिए थोड़ी देर के लिए इन्हें ढककर रख देते हैं पकने के लिए। चलिए देखते हैं हमारा आलू पोस्तो विद सजने फूल कैसा बना है। आलू बॉईल हो चुके हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट मैं इसमें कर रही हूँ, थोड़ा सा कच्चा तेल ले रही हूँ, सरसों का तेल थोड़ा कच्चा, जिससे कच्चे सरसों के तेल की खुशबू भी इसमें आए। गैस को कर दिया बंद, सब्जी हमारी बनकर तैयार है। बनकर तैयार है हमारी पोस्तो आलू सजने फूल की सब्जी। हम फिश खाते हैं, जिन्हें ये पसंद नहीं है वो इतना सा पोर्शन स्किप कर सकता है। पांच फड़ों दे रही हूँ घी में, जिससे स्मेल बदल जाए, और प्याज। स्मेल तो सुंदर आ रही है। मटर तो फिर से भी ज्यादा उछल रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अब जो कॉमन मसाले पड़ने हैं उन्हें डाल ही देते हैं। धनिया, जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। नमक को तो भूल नहीं सकते क्योंकि इनका राजा तो नमक ही है। चलिए, हर खाने में स्वाद देने वाला नमक डल गया। ये जो मुरो है वा फिश हेड है, इसे मैं भी डाल रही हूँ और पकाना है। तेल तो छूट गया है और गरम मसाला। अब इसमें मैं पत्ता गोभी भी डाल रही हूँ। देखिए बनने वाला है हमारी सब्जी, और तेल छूटे फिर हम उसे उतार लेंगे। बन गई हमारी पत्ता गोभी की फिश हेड से सब्जी। 4:30 बजे है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकली तो ये बंदा यहाँ पर बैठ गया, इसे खाना है इसे। चलो इसी से खिला देती हूँ। यहाँ पर आप खाओ खाओ खाओ। डब्बे से खिलाना तो नहीं चाहती, लेकिन अभी एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ से मैं उससे कैसे पकड़ू, पेट ना फट जाए। बस पता नहीं इसका पेट है या कुआं है। खाई जा रहे बहुत देर से। बैठे बैठे डंकी देख रही थी। डंकी बहुत ही कॉमेडी लग रही थी, स्टार्टिंग अभी शुरू किया था, लेकिन अचानक दीदी भाई ने आके कहा कि थोड़ा वो घूमने जाएंगी, तो मैंने कहा मैं भी अकेले घर में क्या करूंगी रहकर, चलो मैं भी घूमने चलती हूँ। तो चलते हैं बाहर के आबहवा को देखने के लिए। चलिए हमारे साथ आप भी चलिए। निकल तो पड़े हैं लेकिन रास्ता तो सुनसान है। सभी घूमने निकले हैं, संडे है ना, हम भी घूमने जा रहे हैं नजदीक, सोनू के घर जा रहे हैं। चलो आ गए सोनू के घर। चलो, इन लोगों ने तो अपने सामानों को शिफ्ट कर लिया है। कोता चल ले लोटा कंबल नहीं है के सोनू के घर में गपशप कर रहे हैं। दीदी भाई तो आज सजी धजी हुई है और दीदी तो जैसे सोकर उठी है। चलिए घूम लिया है, 9 बज रहे हैं, अब चलते हैं कोकाटेलो के पास, थोड़ी देर उनके साथ भी खेल लेते हैं। दीदी भाई स्कूटी चला के आ रही है। चलो, पहली बार पिक्चर तो बनता ही है। 57 की एज में आसान नहीं है ये काम करना, पर उसने कर दिखाया, सक्सेस हो गई, डन।
चलिए दोस्तों आ गई हूँ इनके साथ खेलने के लिए थोड़ी देर के लिए। दीदी भाई को आज देखा मैंने स्कूटी चलाते हुए, सचमुच जज्बा है उनके अंदर, तभी उन्होंने चलाना सीखा, उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और अभी भी सीखना उनके लिए बाकी है। लाइसेंस मिलेगा इसके बाद अगर पूरी तरह से वो सीख लेंगी तो। दिया चुन्नू चुन्नू आप 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 चुन्नू आप हाँ चुन्नू अब सीढ़ी चढ़ना सीख गया है। अय्या इसे सिर्फ आराम खाने, किसी भी हद तक ये आराम के लिए चला जाता है। चलो चलो इस पे चलो। हाँ वो उड़ गया। नो जाओ खा लो, थोड़ी देर खा लो। लो यहाँ पर तो मारपीट चल रही है। हाँ यहाँ से ये चल गया। वाह कहाँ गया? यहाँ दाने रखे हैं मैंने। बंदे अब कितने स्मार्ट हो गए हैं, अपने आप ही, इन्हें मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। इधर से इनकी चोंच बहुत पैनी होती है, छेद कर देती है, खून निकलता है, इसलिए डर लगता है इनके चोंच से। दोस्तों संडे तो बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ी में बीत जाता है, पता ही नहीं चलता, एहसास ही नहीं होता, या तो घूमते हैं या मस्ती करते हैं इनकी तरह। आई होप दोस्तों आज का ब्लॉग भी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। रात के 9 बज चुके हैं, नटखटों की शैतानियां तो कंटिन्यू अपनी चरम सीमा पर है। आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, कल फिर नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, सेफ रहे, स्वस्थ रहे। गुड नाइट दोस्तों, देखिए गुड नाइट करो, गुड नाइट गुड नाइट।